गांधी कोटा में पहुंच जाएंगे अभी हम 5 मिनट्स में। और गांधी कोटा की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे कोई सिटी नहीं है, कोई शॉपिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक गांव है, छोटा सा एक विलेज है जहाँ पर ये व्यू है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है बेसिकली। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली लाइक यू कैन चेक आउट द वीडियो, हमारे जो वीडियो है उसको ढंग से देखिएगा, आपको पता चलेगा कितना कितना ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आता है आपको आपकी लाइफ का, मतलब वन साल लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी रहता है ये, एक बार तो आना बनता है डेफिनेटली। और बहुत ही शानदार व्यू आता है और यहाँ पे कैंपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, होटल्स वगैरह भी नहीं है यहाँ पर, बहुत कम है। लास्ट टाइम हम जब आए थे तब एक ही होटल था, वो भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, जिसमें 10-12 रूम होते थे, तो वो भी चले गए थे लास्ट टाइम हमने रूम लिया था। इस टाइम तो हमारे पास वो भी नहीं है, तो देखते हैं क्या रहता है। अगर बाहर का नज़ारा देखिए अल्टीमेट। विंड मिल्स, दूर दूर तक विंड मिल्स चल रही है, शानदार नज़ारा। इस पहाड़ के पीछे की तरफ है पेन्ना रिवर, पेन्ना रिवर से लगते ही है हमारा जो ग्रैंड कैनियन है। बहुत ब्रेथ टेकिंग व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है, खतरनाक। देखो कितने छोटे से मैं ले जाना है कार को, हम अंदर। हाँ जी, हम कार को अंदर लेके आ गए। और देखिए ये है पूरा, ऐसा लग रहा फोर्ट है। हाँ तो फोर्ट ही है बेटा। ये देखिए कितने छोटे से में हमारी गाड़ी जाएगी। हाँ ये फोर्ट के अंदर हम आ चुके हैं। हाँ लास्ट यही बात करनी है, आगे चलना। और अब हम आ चुके हैं ग्रैंड कैनियन गांधी कोटा। यहाँ से थोड़ा सा हाइक करना पड़ेगा पत्थरों से, लास्ट टाइम तो बड़ा हम पत्थरों से चढ़ चढ़ के गए थे ऊपर तक। हाँ अच्छा होता नहीं है, हाँ हाँ वही अच्छा। और बड़ा अच्छा है। और अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे और वहां से व्यू मिलेगा जबरदस्त पेना रिवर का, पेना रिवर एंड द ग्रैंड कैनियंस गजब अल्टीमेट वाला लुक। और आपको एक छोटा सा हम ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे, ड्रोन शॉट जो आपने अगर देखा हो तो स्टार्टिंग में यार, अभी गजब अल्टीमेट खतरनाक। तो देखिए कैसे लोग चढ़ चढ़ के जा रहे हैं ऊपर व्यू लेने के लिए। अभी यहाँ से पत्थरों पे चढ़ते चढ़ते बादल हो रहे हैं। हाँ बादल हो रहे हैं, सनसेट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और ज्यादा अच्छा ठीक है, और अच्छा लगता है। और यहाँ हम भेल भी खाई थी लास्ट टाइम। ऊपर लोग जाते हुए वो देखिए दूर दूर तक हरियाली, और अभी रिवर भी दिखने वाली है, रिवर दिखेगी और ग्रैंड कैनियंस दिखेंगे। इधर से चलते हैं ना, बात एक ही है, यहाँ से लोग बस चलते चलते उन्होंने रास्ता बना दिया है। हाँ वो तो है, इधर इधर भी खड़े हो जाते हैं, उधर भी खड़े होते हैं, देखो कैसे लोग खड़े। हम लोग लास्ट टाइम उधर ही तो गए थे, थोड़ा सा हल्का सा जैसे ज्यादा क्लाउडी हो रहा था वो अब थोड़ा कम हो गया है, तो थोड़ा सा उजाला लग रहा है अच्छा सा। और अभी चलते हैं ग्रैंड कैनियन के लिए। ये ऐसी चीज है जो आपको एटलीस्ट वन टाइम तो आना ही पड़ेगा, चाहिए यहाँ पर पड़ेगा यार, चाहिए जो भी है भैया आपको, आपकी मर्जी है। If you love travel,
रोड ट्रिप्स एंड दिस इज वन प्लेस वेयर यू शुड डेफिनेटली विजिट। और अभी देखो कहाँ तक जाना है, वहाँ भी चल रहा है क्या कुछ? एक तो ऐसा है, एक साइड से नीचे जाने का, और एक यहाँ से है, तो कहाँ से चलना पसंद करेंगे? अरे इधर से चलते हैं ना, पहुँचेंगे तो वही गिरने। जबरदस्त, देखिए ये है ग्रैंड कैनियन। ये जो पत्थर है और ये वैली है, इसी को ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। और ये पूरा हवा ने, रिवर ने मिलकर बनाया हुआ है हजारों लाखों साल से। ये है वो व्यू जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। और ये देखिए कैसे लोगों ने ये गंदगी फैला रखी है, अपनी हेरिटेज का रखने का बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी भी कल्चर हेरिटेज मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस सब जगह ये गंदगी मिल जाएगी। हाँ सब वही है ना, साला ऐसे लोगों की वजह से ही सब जगह खराब हो जाती हैं। फोन छीन के भाग सकते हैं। हम लोग वहाँ गए थे वृंदावन लास्ट ईयर, तो अनामिका का चश्मा लेके चले गए थे, सब तोड़ दिया था। पानी कम हो गया, बारिश कम हुई थी क्या यहाँ पे? गजब गजब गजब, खतरनाक खतरनाक खतरनाक, अल्टीमेट। ऐसा व्यू आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी। और अभी हम लोग वापस आ रहे हैं ग्रैंड कैनियन से, सब लोग चल दिए, अंधेरा होने वाला है। और एक ये है, ये भी कोई टेंपल वगैरह था जो अब बंद है, लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, खंडर बन चुका है। इसके अलावा एक वो है जो आपको गोपुरम दिख रहा है, उसकी फ़ोटो अगर आपको देखने हैं तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार है वो, मतलब आर्किटेक्चर वाइज बहुत ही अच्छा है वो, सामने जो दिख रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रात गुजारने के लिए भी देखना है कहाँ इंतज़ाम करना है, होटल का तो रूम वगैरह तो मिलेगा नहीं, टेंट वगैरह देखते हैं कहाँ मिलता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे टेंट वगैरह के, देखते हैं कितने का पड़ता है और कैसा दिखता है। आज रात का वही प्लान है, और अभी भी थोड़ी भूख भी लग रही है, कुछ नहीं खाया अभी तो, बस ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, कल का दिन भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, कल का वीडियो भी देखिएगा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है, कहने को ये रुइंस हैं मगर बहुत बढ़िया। और अब हम ले रहे हैं चाय, सुबह से चाय अब नसीब हुई है। और देखो कप, देखो कप, कप कितना बड़ा है, कप देखो। और अभी हम आए हैं टेंट देखने के लिए, इन लोगों के पास दो के टेंट हैं। अरे भैया गिर गए, एक तो ये टेंट है जो नॉर्मल कैंपिंग वगैरह के काम आता है, ये तीन लोगों हो जाएगा, एक उस तरह के। और ये रिवर का व्यू है जो अभी तो नहीं दिखेगा, सुबह दिखेगा, शानदार व्यू रहेगा। और यहाँ
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पार्टी शार्टी गाड़ी सारी सब चल रही है उसमें अटैच्ड है। अच्छा, ऐसे वाले के लिए कॉमन वॉशरूम रहेगा, और अगर वैसा लेते हैं तो ठीक है, उसका भी अच्छा रहेगा, उसमें आपका अटैच्ड वगैरह सब रहेगा। ये वाले थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, पूरे बढ़िया वाले, महंगे वाले। ये वाला है, यहाँ बेड है, एसी है, एसी भी मिलेगा, ये पूरा अच्छा है बहुत। और ये वॉशरूम, सो ये यहाँ पर इनका प्राइवेट वॉशरूम है, शावर वगैरह सब है। और ये बेड है, अगर आप ऐसे टेंट लेते हैं बाहर वाले तो आपको ये कॉमन वाला यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप ये वाले लेते हैं तो आपको अपना पर्सनल सब मिल जाएगा। तो देखते हैं कौन सा सही रहता है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये वाले लेते हैं या फिर बाहर वाले लेते हैं। और अब आ चुका है हमारा डिनर। डिनर में हमने मंगाया है मशरूम की सब्ज़ी, मशरूम करी, दाल फ्राई, चपाती और फ्राइड राइस। तो और ये हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं दूसरे, यहाँ पे हरिता रिसोर्ट है वहाँ के, उसके रेस्टोरेंट, क्योंकि कैंपिंग साइट पे खाना नहीं मिलता है। और हमारे पास सब कुछ था, गैस था, स्टोव था, टेबल था, अगर हम बर्तन घर पे भूल आए, और बर्तन भूल आए इसकी वजह से हम लोग कुछ भी नहीं बना पाएंगे अपना, वरना हम अपना खुद का खाना बनाते, सबको सामान लेके आए थे हम, मैगी वगैरह, मगर बर्तन ही नहीं है तो क्या बनाएंगे। तो फिनिश करते हैं खाना और फिर मिलते हैं आपसे कैंप में। अब हम आ गए हैं अपने टेंट पर, टेंट में, कैंप में, और एसी चल रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया सही रहा। ये हमको मिला है 3,000 रुपीज में, और जो बाहर वाला टेंट था वो 1,500 का था, ये है 3,000 रुपीज का, सही है। और गर्मी भी है बहुत, थोड़ा ठंडा सा मौसम होता तो बाहर का अच्छा रहता, मगर ये सही है। अभी खाना खा के आए हैं और अपना चेंज वेंज करके रेस्ट करते हैं सुबह के, भागे 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 सा, कल रात को सोया भी नहीं मैं।